नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम लूसा, यू आर वॉचिंग सोना लाइफस्टाइल। सो टाइटल देखकर पता तो चल गया ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पर है। सो यू कैन सी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके हैं, एंड स्टार्टिंग में आपने जब मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मेरे बाल में एक अलग सी शाइन थी, एंड नाउ मुझे वो शाइन बिल्कुल नहीं दिखती एंड मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ। एक्चुअली मैं स्पा लेने वाली थी बट सडनली लॉकडाउन हो गया एंड मैं स्पा नहीं ले पाई। सो बट मैं अपने बालों को इस तरह डैमेज होता हुआ नहीं देख सकती। सो मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सर्च की एंड मैं कुछ कंक्लूजन्स पे आई हूँ। सो मैंने एक होम रेमेडी से एक फॉर्मूला तैयार किया है जिससे आई होप मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। सो पहले मैं इस फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करूंगी। अगर आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा सो आप भी अपने ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने लिया है इवियॉन कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल है ये, इसका नाम है इवियॉन। ओके, दिस इज इवियॉन 200, आई थिंक यू कैन सी इट प्रॉपरली। या इवियॉन 210 कैप्सूल्स आती है, इसकी प्राइस है 27 रुपीज़। तो 27 रुपीज़ प्राइस है, बट इसकी जो ऑयल है वो काफ़ी थिक होती है एंड आपको इसके और भी अगर यूजेस हैं तो ये आराम से आपका एक महीने से ज़्यादा चल जाएगा। सो टेंशन की बात नहीं है। सो ये लिया मैंने, एंड देन मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल लेने के बाद मैंने एक छोटा बाउल लिया है एंड इस कैप्सूल को कट करने के लिए मैंने सीजर लिया या फिर नीडल लिया है। नीडल से अगर हम कैप्सूल को पिंच करते हैं सो हमारा कैप्सूल का जो ऑयल है वो वेस्ट नहीं होता। और इन चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने ली है एक चम्मच। सो नाउ मैं इसे कट करूँगी एंड आई विल पुट दिस इन दिस बाउल। ओके, सो जितना हमारे बालों की लेंथ है उतना ही ऑयल लेना है। मैंने ज़्यादा नहीं लिया बिकॉज मेरे बाल का बहुत ही कम है, यू कैन सी इट। ओके, सो ये मैंने इतना ऑयल लिया है, आई थिंक यू कैन सी। या इतना ऑयल मैंने लिया एंड अब मैं विटामिन ई की कैप्सूल लूँगी। आई थिंक मैंने आपको इसकी प्राइस बताई है, ये 27 रुपीज़ की आती है। सो मैंने नीडल लिया है। अगर मैं इसे सीजर से कट करूँगी तो हो सकता है एक दो ड्रॉप ऑयल गिर जाए एंड इसकी जो ऑयल है वो काफ़ी थिक है। सो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती एंड पिंच से काफ़ी सही हो सेव हो जाता है। इस तरह से मैं इसे पिंच करूँगी, यू कैन सी। एंड अब मैं इसे इस ऑयल को इसमें डालूँगी। सो ये मैंने दूसरी कैप्सूल भी ली एंड अगेन मैं इसे नीडल से पिंच करूंगी एंड इसे धीरे धीरे इसमें डालना है। ये इसमें इसकी ड्रॉप गिर रही है। इवियॉन के आई मीन विटामिन ई के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। आई होप मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सारे यूजेस को बताऊं। आप विटामिन ई को फेस पर भी लगा सकते हो एंड इसका काफ़ी अमेजिंग बेनिफिट होता है। सो मैं आपको ज़रूर वो वीडियो शेयर करूंगी। एंड मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये भी बहुत ही रिक्वेस्टेड वन है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स मुझसे कह रहे थे कि हेयर फॉल से रिलेटेड वीडियोस बनाने को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हो। मेरा नाम लूसा है एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, सो यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन सी मैंने ऑयल इसमें मिक्स कर दिया है एंड अब मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। मैं इसे चला रही हूँ, चलाने से ये थोड़ा थिक हो गया है बिकॉज ये जो विटामिन ई होता है ये थोड़ा थिक होता है एंड कोकोनट ऑयल जो होता है वो उतना थिक नहीं होता। उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लाइट होती है, उसका टेक्सचर थोड़ा लाइट होता है। सो मैंने इसे मिक्स कर दिया है एंड मैं इसे कुछ देर 2 मिनट तक छोड़ दूंगी। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप भी इसे 2 से 5 मिनट छोड़ दो एंड उसके बाद बालों में लगाओ ताकि कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई आपस में मिक्स हो जाए। सो अब ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है, यू कैन सी। एंड 2-3 मिनट भी हो गए हैं। सो अब मैं इसे अपने बालों पर लगाऊंगी। बालों पर अंदर इन सब में लगाना है, रूट से लेकर एंड तक लगाना है। मोस्टली हमें स्कैल्प पे फोकस करना है बिकॉज अगर स्कैल्प में ही हम अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे तभी तो बाल लंबे होंगे, ग्रो करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बालों पर लगाएं, लाइक पार्ट करके बालों को।
जैसे मैंने यहाँ पे लगाया एंड हल्के हल्के हाथ मसाज करे. एक्चुअली मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड है, मैंने कुछ टाइम पहले स्ट्रेटनिंग भी करवाई थी, सो मैं अपने बालों पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करती. एंड जिनके बाल झड़ रहे हो वो भी ज्यादा बालों पर प्रेशर अप्लाई नहीं करें तो अच्छा होगा. तो मैं अपने पूरे बालों में लगाऊंगी. आप अपने फिंगर्स से भी लगा सकते हैं एंड यू कैन पुट इट विद स्पून ऑल्सो. आई होप कि मेरे बाल पहले जैसे हो जाए. आई रियली लव देम. ओके सो मुझे और दूसरे मैं तो पार्टीशन करना होगा. आई थिंक इस तरह से आप इस ऑयल को अपने बालों में लगा लें. लाइक अब मैं पीछे लगाऊंगी, पीछे के पोर्शंस में. लाइक पीछे मेरे बाल हमेशा रफ हो जाते हैं, टैंगल्ड हो जाते हैं सोने में. ऐसा अक्सर होता है गर्ल्स के साथ, तो ये मोस्टली हो ही जाता है. सो उन टैंगल्स को छुड़ाना काफ़ी ज़रूरी है. बालों के टिप्स पर भी लगाएं. अब आपको अपने बीच के बालों को भी दो पार्ट में करना है एंड बीच वाले बालों को भी पीछे में लगाना है. लाइक पूरे बाल कवर हो जाने चाहिए. वैसे कोकोनट ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल होता है बालों के लिए. व्हेनेवर यू आर डूइंग शैम्पू, ऑयलिंग करना मस्ट होता है. सो हमेशा शैम्पू को प्लान करके करें. ये नहीं, आई नो कि मेरा फेस काफ़ी ख़राब दिख रहा है ऑयल लगाने के बाद, बट आपको हमेशा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होते हैं. छोटे बाल हमेशा झड़ जाते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है. सो अपने किसी भी स्कैल्प के पार्ट को वो नहीं करें और पूरे बालों पर ढंग से करें एंड देन जेंटली मसाज करें. लाइक आई एम डूइंग, आई लव हेड मसाजेस. सो यू कैन सी मैंने बालों पर अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई कर लिया है एंड मैंने एक बन बना लिया है. एंड नेक्स्ट आई हैव मेथड नंबर टू. आप चाहें तो आप ऑयल को ओवरनाइट रख सकते हैं एंड नेक्स्ट डे मेथड नंबर टू को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसे आप 1 आवर या फिर 2 आवर रखने के बाद आप इसे नेक्स्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके यू कैन सी काफ़ी अच्छे से मैंने पूरे बालों में ऑयल लगाया है एंड मेरी शक्ल थोड़ी ख़राब दिख रही है. सो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ. इसके लिए हमने लिया है कुछ केले, बनानास एंड मैंने लिया है हनी. मेरे पास पतंजलि हनी था, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. सो मैं ये ले रही हूँ. आप कोई भी हनी ले सकते हो एंड विटामिन ई. एंड अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर दूंगी. पहले मैं बनाना को चॉप करूंगी एंड उसके बाद मैं चॉप्ड बनाना को मिक्सर में डालूंगी एंड उसमें मैं हनी ऐड करूंगी एंड विटामिन ई ऑयल. मैंने 3 बनानास कट किया है इसमें बिकॉज मेरे बालों को कंडीशनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे एंड बनानास बाल को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की बनाते हैं. एंड फिर मैंने हनी लिया है. ये भी हनी भी बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है. इनफैक्ट हनी स्किन के लिए भी हेल्दी होता है. मैं 1/2 स्पून हनी ऐड कर रही हूँ. ओके मैंने 1/2 स्पून हनी ऐड की. अब हम इन्हें ग्राइंड कर देंगे और मैं इसमें विटामिन ई ऑयल भी डाल रही हूँ. ये अच्छे से मिक्स हो चुका है. दिस इज सो थिक एंड मुझे वैसे अपने बालों पर लगाना है. सो आई शुड ओपन माय हेयर. ओके सो अब हम लगाना शुरू करते हैं एंड आई सजेस्ट कि आप किसी पुराने टी शर्ट को पहन कर ही अपने बालों में लगाएं. पहले हम अपने बालों के इस लेंथ से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे. सो हमें इस तरह से अपने बालों को पकड़ पकड़ कर बालों पे लगाना है एंड उसके बाद आप बालों पर इसे यूज़ करने के बाद आप अपने बालों पर किसी चीज़ की कवरिंग यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जी वाली जो पॉलीथीन होती है. यू कैन सी शुरू में थोड़ा गंदा लगेगा, मुझे भी लग रहा है. स्टिल बालों को मैं अच्छा करना चाहती हूँ. मैंने इधर लगा लिया है. ओके आई शुड यूज दिस. मुझे कोई पुरानी टॉवल भी रखनी चाहिए थी अपने साथ. आप अपने बालों पर बहुत ही लाइट हैंड से अप्लाई करें बिकॉज बाल जब गीले हो जाते हैं तो डैम बाल ज्यादा टूटते हैं. सो आई विल सजेस्ट कि हल्के हल्के बालों पर अप्लाई करें. मैंने अपने पूरे बालों पर लगा लिया है एंड अब इसके बाद मैं इसे 15 मिनट्स तक छोड़ दूंगी एंड देन मैं शैम्पू करने जाऊंगी. शैम्पू मैं वेला का यूज़ करती हूँ, वेला प्रोफेशनल, एंड इसके साथ ही मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ.
वेला हेयर मास्क, इसका सेम इसका नाम है इनविगो न्यूट्री एनरिच विद गोजी बेरी। इसकी प्राइस है 660 रुपीज एंड इसकी प्राइस है 620 रुपीज। मैं आज मास्क नहीं यूज़ करूँगी एंड अगर आप भी शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज़ करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कंडीशनर मत यूज़ करो, बिकॉज बनाना एंड हनी ने आपके बालों की कंडीशनिंग बहुत अच्छे से कर दी होगी एंड आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। मैंने शैम्पू कर लिया एंड यू कैन सी मेरे बाल काफ़ी शाइन कर रहे हैं एंड स्मूथ लग रहे हैं एंड मुझे फील हो रहा है कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेंड दिख रहे हैं। एक्चुअली मेरे बाल पहले से स्ट्रेटेंड हैं बट जो रूट्स के बाल हैं वो स्कैल्पर के बाल में तो कर्ल्स रहती है बट ये अप्लाई करने के बाद मुझे लग रहा है कि वो कर्ल्स नहीं दिख रही है बट इसकी ये जो देख रहे हो आप शाइन तो आ गई है, वॉल्यूम भी आ गई है बट इसके साथ मुझे कुछ इसका एक दो इसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं भी वो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ बिकॉज आप इसे अप्लाई करने वाले हो। तो नंबर वन की मैंने यू कैन सी मेरे बालों पे इस तरह से ये कुछ कुछ बनाना के पार्टिकल्स रह गए हैं जो मुझे सही नहीं लगा। सो मैंने सोचा कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आई थिंक मैंने ज़्यादा बनाना ले लिया था, मैंने 3 बनानाज लिए थे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 बनाना ही लेना एंड इफ़ बॉयज़ आर ट्राइंग दिस तो बॉयज़ के बाल तो और भी कम होते हैं सो हाफ बनाना ही बोले। एंड नेक्स्ट थिंग आपको बनाना को मिक्सर में नहीं पीसना है, मैंने पीसा था एंड पीसने की वजह से बनाना के जो पार्टिकल्स थे बहुत छोटे छोटे हो गए एंड वो मेरे बालों में जाकर अटक गए एंड वाटर से वो नहीं निकल पाए। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसे खुद से स्मैश करो एंड हनी के साथ और विटामिन ई एंड ऑयल के साथ उसे मिक्स कर लो अच्छे से, 5 to 10 minutes छोड़ दो एंड देन अपने बालों में अप्लाई कर लो। बट आप उसे मिक्सर में मत पीसो क्योंकि अगर बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे बिकॉज स्मैश करने पे भी बड़े टुकड़े ही तो होते हैं सो आप बालों में लगाओगे एंड 15-20 मिनट्स तक वो आपके बालों पर असर तो कर जाएगा, बनाना अपना वर्क करेगा एंड हनी वगैरह अपना वर्क करेगा बट जब आप उसे धोगे तो उसके बड़े बड़े टुकड़े आपके बालों से आसानी से निकल जाएंगे एंड कॉम्प्रेशन की जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो मेरे बालों में अटक चुके हैं सो मुझे फिर से हेयर वॉश करना पड़ेगा विद कंडीशनर एंड मैंने आज कंडीशनर के साथ बालों को नहीं धोया है। मैं चाहती हूँ आप भी मत धो बिकॉज अगर एक दिन तक आप बालों को सिर्फ शैम्पू से धोते हो तो जो भी बनाना का असर होगा वो आपके बालों पर रहेगा एंड वो आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा एंड जो भी उसके इफ़ेक्ट्स होंगे और अच्छे आएंगे। सो आप जब नेक्स्ट टाइम हेयर वॉश करो तो कंडीशनर या मास्क जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हो। सो आई होप कि आपको मेरा सजेशन सही लगा होगा एंड आई विल लव अगर आप ये ट्राई करोगे एंड अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स एंड अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए।